नमस्कार फ्रेंड्स, एस प्रॉमिस्ड वन मोर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी लेके आपके सामने आया हूँ। दैट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का नाम है स्टोकेस्टिक्स एंड ड्यूअल मूविंग पीरियड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। यानी यहाँ पे हम स्टोकेस्टिक्स यूज करेंगे, ड्यूअल पीरियड मूविंग एवरेज लेंगे, मीन्स दो मूविंग एवरेज लेंगे और उसके ऊपर बेस करके एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने का प्रयास करेंगे। स्ट्रेटेजी में हम जो दो सिंपल मूविंग एवरेज यूज करेंगे, पहला वाला है 66 सिंपल मूविंग एवरेज, दूसरा वाला है सिंपल मूविंग एवरेज 34 एंड तीसरा वाला है स्टोकेस्टिक्स 14-2 विथ 75 एंड 39। सो बिफोर डिस्कसिंग द स्ट्रेटेजी, लेट अस प्लॉट ऑल दिस इंडिकेटर्स वन बाय वन, ताकि जो लोग इतना वेल एक्वेंटेड नहीं है विद द इंडिकेटर्स उन लोगों के लिए फायदा हो जाए। ये जीरोधा का प्लेटफॉर्म से, यहाँ पे टाइम फ्रेम आप अपने हिसाब से कुछ भी लगा सकते हैं, 15 मिनट, आधा घंटा, एक घंटा। सो ये हो गया आपका प्लेन चार्ट। अभी आएंगे हम इंडिकेटर में। इंडिकेटर में आने के बाद हम मूविंग एवरेज डालेंगे। एक बार क्लिक किया तो एक मूविंग एवरेज आए, दूसरा बार क्लिक किया तो दो दो मूविंग एवरेज आए। यहां पे आने के बाद फिर हम क्या करेंगे, आप देखोगे यहां पे एक फॉर्मेट है इस जगह पे, वहां पे क्लिक करेंगे एंड इसको बनाएंगे 34 पीरियड। कलर ब्लू दे देते हैं आपके हिसाब से, स्टाइल में आओगे एंड कलर को अपने आपके पसंद के हिसाब से आप यूज कर सकते हो। देन दोबारा ये फॉर्मेट में आएंगे एंड क्लिक करेंगे, इसको हम 66 बना देंगे एंड कलर से सपोज रेड लगा लेते हैं। थोड़ा सा इंक्रीज करने से ये आपका जो थिकनेस ऑफ द मूविंग एवरेज वो आप चेंज कर सकते हैं आपके सुविधा के हिसाब से। इस जगह पे आप क्लिक करोगे तो ये दिखना बंद हो जाएगा, ये प्लस में क्लिक करोगे तो आपका जो इंडिकेटर्स है वो दोबारा वापस आप देख पाओगे क्या क्या मूविंग एवरेज आपने यूज किया है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका मूविंग एवरेज कौन सा है पता नहीं चलेगा किसी को। सो एज ऑफ नाउ मूविंग एवरेज 34 एंड मूविंग एवरेज 66। देन हम और एक इंडिकेटर का यूज करेंगे, स्टोकेस्टिक्स। सो जब हम स्टोकेस्टिक्स यूज करेंगे तो इस टाइप का कुछ आएगा। हम यहाँ पे फॉर्मेट में आएंगे, फॉर्मेट में आने के बाद पहला लेंथ 14 रहेगा, स्मूथ के दो करेंगे, स्मूथ डी को हम अनटैच करेंगे बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू यूज स्मूथ डी। इसके बाद हम स्टाइल में आएंगे, स्टाइल में आने के बाद परसेंटेज डी को अनटिक कर देंगे तो क्या होगा, इसका कोई इंपॉर्टेंस रहेगा ही नहीं। ये हो गया आपका सिर्फ परसेंटेज के। उसके बाद ये जो देखो आप लाइन है, यहाँ पे हम क्या करेंगे 75 डालेंगे एक में और दूसरे वाले पे 35 डालेंगे एंड ओके कर लेंगे। अगेन आई रिपीट, फॉर्मेट में आएंगे, आने के बाद लेंथ 14, स्मूथ के को दो करेंगे, स्मूथ डी को हम अनटच करेंगे क्योंकि उसका कोई एप्लीकेशन हम यहाँ पे यूज नहीं करने वाले हैं, हालांकि स्मूथ डी का भी एप्लीकेशन है। उसके बाद स्टाइल में आएंगे, परसेंटेज डी को अनटिक करेंगे, दैट इज वाई ये स्मूथ परसेंटेज मीन स्टोकेस्टिक्स डी को, स्मूथ डी को हम कुछ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। एंड उसके बाद अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को 75 एंड 35 कर लेंगे। ये जो बैकग्राउंड है इसका, इसको हम अनटिक कर लेंगे। आप चाहो तो ये डॉटेड लाइन को स्ट्रेट लाइन कर सकते हो आपके हिसाब से। उसके बाद इसको थिकनेस बढ़ाना है या घटाना है आप अपने हिसाब से कर सकते हो। सो ये बन गया आपका मूविंग एवरेज 34, मूविंग एवरेज 66 एंड स्टोकेस्टिक्स 14.2। अभी आते हैं पीपीटी पे। सो यहां पे एक लाइनर है, दोज हु विल वॉच द वीडियो टिल द एंड स्पेशल टच पॉइंट्स विल बी डिस्कस्ड।
अभी कंडीशंस फॉर बाइंग, SMA 34 इज अबोव SMA 66, देन सेकेंड कंडीशन इज SMA 66 मींस सिंपल मूविंग एवरेज 66 इज राइजिंग। उसके बाद स्टोकेस्टिक्स जो है वो 35 के नीचे आएगा, देन अगेन 35 के ऊपर जाएगा। लेट अस डिस्कस दैट वन, देन वी विल कम टू द सेकेंड कंडीशंस। यहां पे आप देखो रेड लाइन इज मूविंग एवरेज 66, ब्लैक लाइन इज मूविंग एवरेज 34। SMA 34 इज अबोव SMA 66 फॉर बाइंग कंडीशंस। सेकेंड कंडीशन मूविंग एवरेज 66 शुड बी राइजिंग, एंड थर्ड कंडीशन स्टोकेस्टिक्स जो लाइन है ये 35 के नीचे जाएगा फिर 35 के ऊपर आएगा। That is our buy condition। यहां पर देखिए this जगह पे देखिए 34 is above 66, SMA 66 is rising and stochastics line 35 के नीचे आया फिर 35 के ऊपर गया। जैसे 35 के ऊपर गया उस कैंडल के हाई के ऊपर buy। इस जगह पे आप देखोगे कि SMA 34 is above SMA 66, लेकिन क्या SMA 66 rising है? No, SMA 66 is not rising। So despite stochastics नीचे 35 के नीचे आने के बाद फिर दोबारा ऊपर जाए फिर भी हम उसमें buy के लिए consider नहीं करेंगे। और एक लेते हैं, यहां पे 34 above 66, 66 rising, stochastics below 35 and moving higher। ये हो गया one strategy। यहां पे देखिए क्या है, 34 is above 66, black is above red, 66 rising, 66 rising, यहां पर भी देखिए 66 rising। उसके बाद क्या हुआ, stochastics below 35 and above 35, so our buy point। यहां पर भी 35 के नीचे stochastics आया and ऊपर गया। यहां पर भी आप देखोगे ये just 34.88, ये यहां पे मैंने कर्सर रखा था, इस जगह पे आप देखोगे कि 34.81 यानी 35 के नीचे गया फिर 35 के ऊपर चला गया। so next candle 35 के ऊपर, ये कौन सा है, बैंक निफ्टी का लेटेस्ट 6 मार्च 3 मार्च का प्राइस एक्शन। इसमें और एक कंडीशन है, विल कम बैक। तो अभी हम क्या करते हैं, फिर चार्ट में आते हैं। तो यहां पे आप देखो लाल वाला 66, ब्लू वाला 34, सो लेट मी मेक इट ब्लैक सो मेरा पीपीटी के साथ मैच हो जाए। अभी क्या होना चाहिए, 34 बिलो बाइंग वाला है, सो विल बी कमिंग टू 34 अबोव 66, ये वाला रेंज पे आपका हो गया 34 अबोव 66, देन 66 राइजिंग एंड स्टोकेस्टिक्स कमिंग बिलो 35 एंड मूविंग हायर। सो थ्री कंडीशंस इस पार्टिकुलर पॉइंट पे आप देखो, स्टोकेस्टिक्स कहां पे आया, 60 पे आया। उससे पहले वाला कैंडल पे स्टोकेस्टिक्स 31.59, हमें 35 के ऊपर जाना है, सो दिस कैंडल इज नॉट अ कैंडिडेट। मैं थोड़ा सा और जूम आउट करता हूं, ये जो ग्रीन कैंडल है दिस इज नॉट अ कैंडिडेट बिकॉज आप यहां पे इस जगह पे देखोगे स्टोकेस्टिक्स का वैल्यू देता है, कौन सा वैल्यू है। जैसे मैंने इस कैंडल के ऊपर कर्सर रखा, लेफ्ट में स्टोकेस्टिक्स के बाजू में देखो उसका वैल्यू 31.59, यानी मेरे को लेकिन 35 के ऊपर जाना है। सो वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट कैंडल, नेक्स्ट कैंडल इज योर 60.76, सो हम इसके हाई की ऊपर बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बिलो द स्विंग लो,
स्टॉप लॉस हमने वहां पे डिस्कस नहीं किया, यहां पे बता देते बिलो द स्विंग लो और वट एवर स्ट्रेटेजी यू टेक, एंड आपका प्रॉफिट 1:1, 1:2 जैसे आप लेना चाहते हो। और एक देख लेते हैं यहां पे सिक्स 34 अबव 66, 66 राइजिंग एंड आपका स्टॉकेस्टिक्स 35 के नीचे आया फिर ऊपर गया, लेकिन आप देखोगे इसमें आपका क्या हुआ, प्रॉफिट नहीं दिया, रेदर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। मैंने जानबूझ के इस जगह को मैंने आइडेंटिफाई किया सो दैट मैं आपको दिखा सकता हूं कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। मार्केट कुछ समय से सेलिंग पे था इसीलिए यहां पे ज्यादातर सेलिंग का ही मिल रहा है, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई वांट टू मीन। अभी हम दूसरा वाला सेलिंग केयर देखेंगे, देन सेकंड कंडीशंस डिस्कस करेंगे, फिर एज ए चार्ट के हिसाब से जनरली चार्ट को डिस्कस करेंगे। अभी आते हैं कंडीशंस फॉर सेलिंग, इसमें क्या होगा ठीक उसका उल्टा। Moving average 34 is below 66. Moving average 66 is falling. And stochastics क्या करेगा, पहले 75 के ऊपर जाएगा, 75 के ऊपर जाएगा and उसके बाद नीचे आएगा। Let us come to the so इस area पे देखिए। अभी आप बोलोगे ये तो एकदम रेडीमेड है, दिखता है, प्रैक्टिकली क्या करेंगे। प्रैक्टिकली करने से पहले हमें तो जो रेडीमेड है उसको प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे देखिए 34 बिलो 66 फॉलिंग एंड स्टॉकिस्टिक्स नीचे से ऊपर गया, 75 के ऊपर गया फिर नीचे आया। सो दिस बिकम द टारगेट कैंडल, इसके लो के नीचे सेल, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस एंड 1:2, 1:3 आप जैसे आपके श्रद्धा के हिसाब से आप करना चाहते हो। फिर इस जगह पे देखो सेकेंड टाइम आपको री एंट्री दिया है, आपने एक बार लिया या मान लीजिए आपने लिया नहीं, मिस किया, सेकेंड टाइम आपको एंट्री दे रहा है। कैसे देखो 75 के ऊपर गया, नीचे 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 यहां पे आया, इसमें 77 इसमें आपका 71, इसके लो के नीचे सेल, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस। हालांकि दिन क्लोज गया फ्लैटिश टाइप, आप इंट्राडे करोगे तो कुछ नो प्रॉफिट नो गेन, लेकिन आप अगर ओवरनाइट कैरी करते तो आपका एक अच्छा खासा सेल्फ आता। फिर वंस अगेन स्टॉकेस्टिक्स ऊपर गया नीचे आया, यहां पे दिस इज द ट्रिगर कैंडल, इसके लो के नीचे सेल किया एंड प्राइस ऊपर चला गया। सो क्या हुआ, स्टॉप लॉस गॉट ट्रिगर्ड, ठीक है, वी शुड बी रेडी। मैं स्टॉप लॉस का दिखा इसीलिए दिखा रहा हूं कि ये प्रेजेंटेशन देख के आपको लगे ना कि अरे यार मेरे को तो मिल गया। नो no. कोई भी स्ट्रेटेजी 100% फुल प्रूफ नहीं। ये हो गया आपका सेलिंग का। अभी हम क्या करेंगे, कॉम्बाइन डिस्कस करेंगे। उससे पहले और एक बार पीपीटी देख लेते हैं। यहां पे देखिए 66 34 बिलो 66 फॉलिंग एंड स्टॉकेस्टिक्स 75 के ऊपर गया फिर नीचे आया, दैट बिकम्स योर ट्रिगर कैंडल। यहां पर भी देखो स्टॉकेस्टिक्स नीचे आया एंड योर ट्रिगर कैंडल। ये वाला देखिए नेक्स्ट प्रेजेंटेशन नेक्स्ट देखते हैं। यहां पे देखिए यहां पर देखिए ये ग्रीन कैंडल उसके बाद ऊपर गया है, बट दिस इज द ट्रिगर कैंडल। क्यों, स्टोकेस्टिक्स अबोव 75 जाके फिर नीचे 75 के नीचे आया, कहां पे आया आप देखो 74.22, क्योंकि मैंने यहां पर कर्सर रखा हुआ था प्रिंट स्क्रीन लेने से पहले। सो दिस ब्लू कैंडल या ग्रीन कैंडल बोलिए उसके लो के नीचे आपका ट्रिगर हुआ। कब ट्रिगर हुआ, 3-4 कैंडल के बाद। नेक्स्ट ये देखिए 66 34 बिलो 66 फॉलिंग एंड बड़ा कैंडल्स। ये बहुत ही बड़ा कैंडल्स है, वो रिस्क, जब जब ये जो कैंडल ट्रिगर कैंडल बहुत ही बड़ा होगा, रिस्क रिवार्ड में अगर फिट नहीं होता है
सो यू कैन इग्नोर। यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, यहां पे अभी आते हैं ये बाइंग एंड सेलिंग का जो सेकंड कंडीशन है। दो कंडीशन है सेलिंग के लिए। हमने पहले अभी तक फर्स्ट कंडीशन डिस्कस किया, बाइंग के लिए 35 के नीचे जाएगा फिर 35 के ऊपर चला आएगा, देन वो जो ट्रिगर दैट विल बिकम द ट्रिगर कैंडल, उस ट्रिगर कैंडल के हाई के ऊपर हम बाई करेंगे, लो के नीचे स्टॉप लॉस, मीन स्विंग लो जो होगा रिसेंट स्विंग लो उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस, एंड 1:2 स्टार्टिंग विथ 1:1 देन 1:2 एंड फाइनली आप क्या कर सकते हो 50% 1:2 में ले सकते हो, रिमेनिंग 50% आप ट्रेल कर सकते हो। डेट मीन द केस। अभी आते हैं हमारे सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन बाइंग के लिए क्या है, 35 के नीचे जाना है फिर 35 के ऊपर जाना है, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। अभी सेकेंड कंडीशन में क्या होगा, मार्केट जब एक्सट्रीम मोमेंटम में रहेगा तो स्टोकेस्टिक्स 35 के नीचे आके फिर 35 के ऊपर जा भी नहीं सकता है। क्या हो सकता है, 75 के नीचे से 75 के ऊपर आ सकते हैं। लेट अस चेक वन कंडीशन। यहां पे देखिए ये वाला दिस कंडीशन, यहां पे क्या हुआ, 34 अबव 66 राइजिंग, लेकिन यहां पे स्टोकेस्टिक्स 35 के नीचे आके ऊपर नहीं गया, ये पहले हो चुका है। वहां पे क्या करना है कि आपका स्टोकेस्टिक्स 75 के ऊपर से 75 के नीचे आएगा फिर 75 के ऊपर गया, उसके हाई के ऊपर हम सेकेंड लेवल ऑफ बाई, इसमें हम बाई कर सकते हैं। सिमिलरली यहां पे हम इस ट्रिगर कैंडल के हाई के ऊपर बाई करेंगे, स्टॉप लॉस बिलो द स्विंग लो एंड 1:2 और मोर। यहां पे एक मैंने जानबूझ के पीपीटी लिया है इस कंडीशंस को। यहां पे देखिए बाइंग के लिए क्या हुआ, 34 अबव 66 राइजिंग, स्टोकेस्टिक्स 35 के नीचे गया फिर ऊपर आया एंड इस ट्रिगर कैंडल के हाई के ऊपर बाई, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में स्टॉप लॉस ट्रिगर किया, ये देखो ट्रिगर करके फिर ऊपर गया, स्टॉप लॉस हो गई, ये एक हो गया। यहां पे देखिए क्या हुआ, ये जो सेकंड बाइंग कंडीशंस, वहां पे स्टोकेस्टिक्स बिलो 35 जाके ऊपर नहीं आएगा, वहां पे अबव 75 से थोड़ा सा नीचे आएगा, बिलो 75 देन ऊपर जाएगा, सो आपका बाइंग कंडीशंस 1, 2, 3, 4 कंडीशंस। फोर्थ वन पे आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं दिया या आपको स्टॉप लॉस हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं, यहां पे तो कंडीशन वन वाला बाइंग वाला, यहां पर भी कंडीशन वन वाला बाइंग वाला आया। ये हो गया आपका सेकंड कंडीशन फॉर बाइंग, जब स्टोकेस्टिक्स 35 के नीचे नहीं आता है, रेदर अबव 75 से बिलो 75 आएगा एंड फिर मूव आउट करेगा ऊपर, 75 के ऊपर जाएगा। सिमिलरली उसका उल्टा जो सेलिंग कंडीशंस में, जो फर्स्ट सेलिंग कंडीशन है वहां पे स्टोकेस्टिक्स क्या होता है कि पहले 75 के ऊपर जाएगा फिर 75 के नीचे आएगा तो हम सेल करेंगे, लेकिन सेकंड कंडीशन में क्या है, वो 75 के ऊपर नहीं जाएगा, वो बिलो 35 से अबव 35 जाएगा फिर नीचे आएगा, देन दैट बिकम्स आवर सेलिंग कंडीशंस। देखते हैं ये जो कंडीशंस आई वाज टॉकिंग अबाउट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जो एग्जांपल्स है ये कंडीशन वन वाला था जहां पे स्टोकेस्टिक 75 के ऊपर गया फिर नीचे आया, 75 के ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर 75 के ऊपर गया फिर नीचे आया। ये हो गया आपका फर्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट आता है सेकंड कंडीशन, जहां पे स्टोकेस्टिक्स 75 के ऊपर जाएगा नहीं, वो क्या करेगा, बिलो 35 से अबव 35 जाएगा फिर नीचे आएगा, तो वहां पे आपको एक झटपट ट्रेड मिलने का हाई पॉसिबिलिटीज है। इस कंडीशन पे आप क्या करोगे, 1:1 का टारगेट करोगे, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज ये है कि आपका मीन्स झटपट अब स्विंग चेंज हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं ये वाला, फर्स्ट वाला फर्स्ट कंडीशन, सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले पे आपको स्टोकेस्टिक्स बिलो 35 से अबव 35 गया फिर नीचे आ गया,
एंड आपका ट्रिगर कैंडल बना है, उसके लो के नीचे सेल, जो स्विंग हाई बनाएगा उसके हाई के ऊपर बाई 1:1। या आप जब एक्सपर्ट बन जाओगे तो थोड़ा सा ट्रेल कर सकते हो। ये तो कंडीशन वन सेलिंग वाला, ये भी कंडीशन वन। यहां पे आपका देखो ये कंडीशन टू वाला है सेलिंग के लिए। अभी आते हैं यहां पे देखते हैं, ये यहां पे कंडीशन टू है, ये वाला आपका कंडीशन वन, ये आपका बाइंग का है मिक्स्ड, ये सेलिंग का है क्या? सेलिंग का है क्या? क्या यहां पे 34 इज बिलो 66 फॉर सेलिंग? नो, सो इट्स नॉट द कंडीशंस। यहां पे कंडीशन है सेलिंग का, कंडीशन है 34 इज बिलो 66 स्टॉकिस्टिक्स, लेकिन क्या हुआ आपका 35 के ऊपर जाके फिर नीचे आ गया। मैंने कर्सर रखा था यहाँ पे, नहीं वो दूसरे कहीं पे कर्सर रखा था, इसलिए 96 दिखा रहा है। सो ये हो गया सेकंड कंडीशंस। अभी आते हैं हम कॉम्बाइन डिस्कस करेंगे चार्ट, अभी कॉम्बाइन चार्ट पे डिस्कस कर लेते हैं। अभी देखो यहाँ पे एक विजुअल में जब ऑलरेडी प्राइस हो चुका है तब देखने के लिए बहुत बढ़िया आता है, लेकिन हम इस लेवल पे क्या कंडीशंस फुलफिल कर रहा है? 34 बिलो 66, 66 फॉलिंग एंड स्टॉकिस्टिक्स बिलो मींस बिलो 75 से अबव 75 जाके नीचे आया एंड टकास। यहां पे दिस इज द ट्रिगर कैंडल एंड टकास। यहां पे ये वाला सेकंड कंडीशंस, लेकिन डे क्लोज हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं, अभी देखोगे यहां पे तो काफी क्लैरिटी मिसिंग है। दैट इज व्हाई आई टोल्ड दोज हु विल स्टे टिल एंड विल गेट द मैजिक। ये एरिया आप जब यहां पे प्राइस एक बार 34.66 को टच करेगा नीचे आएगा, फिर 34.66 को ऊपर करेगा, दैट मींस व्हाट, यहाँ पे प्राइस हॉचपॉच है। हमारा यहाँ पे प्रयास क्या है, एक ट्रेंड को पकड़ना, ना कि प्राइस ऊपर नीचे करेगा वहां पे जाना है। यहाँ पे देखो प्राइस 34 को काटा, 66 को काटा, ऊपर गया, फिर नीचे से काटा, फिर ऊपर से काटा, नीचे से काटा, ऊपर से काटा, व्हाट इट मींस, यहाँ पे ये ट्रेंड है नहीं। हमें एक इस स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए हमें एक ट्रेंड चाहिए। किस टाइप का ट्रेंड चाहिए? इस टाइप का ट्रेंड चाहिए। ये ट्रेंड कैसे मिलेगा उसका फाइन ट्यूनिंग हम नेक्स्ट फाइनल पार्ट पे देखेंगे, ठीक है। यहां पे एक बार देख लेते हैं, आप देखोगे स्टोकेस्टिक्स इस लेवल पे आपका क्या है मीन सेलिंग के लिए, उससे पहले आया नहीं, उससे पहले कंडीशन टू था। कंडीशन टू देखो 35 के नीचे से अबव 35 गया एंड नीचे आ चुका है, सो कंडीशन टू यहां पे आया। यहां पर भी आप देखोगे कंडीशन टू आया इस लेवल पे, कंडीशन टू। वीडियो को दोबारा समझना है तो दोबारा फिर फर्स्ट फॉरवर्ड मींस रिवाइंड करके देख सकते हैं। यहां पे देखिए मैं चुन चुन के आपको ये दिखा रहा हूं। अब बोलोगे आशीष सिर्फ ट्रेंडर वाला ही दिखा रहा है, यहां पे नहीं दिखा रहा है। यहां पे प्राइस क्या हो रहा है, 34 के ऊपर 66 के ऊपर, फिर 34 के नीचे 66 के नीचे, फिर 34 के ऊपर 66 के ऊपर, फिर 34 के नीचे 66, यानी प्राइस इज कटिंग। यहां पे आपको मिलेगा छोटा छोटा मिलेगा, यह स्टॉप आउट भी हो सकता है। सो इस केस पे आते हैं, यहां पे क्या हुआ आपका, आपको कहां पे पकड़ना है, आपको इस लेवल पे पकड़ना है। कैंडल को पकड़िए, कौन सा कैंडल है, दिस रेड कैंडल इज द कैंडल, इसके लो के नीचे सेल, अबव द स्विंग हाई स्टॉप लॉस एंड 1:2 हो गया। और देखें यहां पे
सेम आप बोलोगे अभी डेफिनेटली आप एक्सपर्ट बन चुके हैं यहाँ पे सेलिंग। ये यहाँ पे लेवल टू वाला सेलिंग आएगा, लेवल टू वाला यहाँ पे आएगा, यहाँ पे छोटा लेवल टू वाला आएगा, लेकिन आपको शायद यहाँ पे ट्रेडिंग टारगेट नहीं दिया है। राइट, अभी आप बोलोगे ये डिस्कशंस हो गया, होप दिस इज क्लियर टू यू। अभी लास्ट दो तीन मिनट एक फाइन ट्यूनिंग करेंगे, जहां पे ये जो आपका हायर मींस कैसे हम समझे कि ये नीचे आएगा या नहीं आएगा, उसका एक टच पॉइंट। टच पॉइंट क्या पे, यहाँ पे हम दो टाइम फ्रेम लेंगे। अगर आपका ट्रेडिंग टाइम फ्रेम 15 मिनट है तो 4 to 6 टाइम्स हायर वाला हायर टाइम फ्रेम लेंगे, यानी 15 मिनट का 4 गुना 1 घंटा, यानी इसका हायर टाइम फ्रेम 1 घंटे का होगा। अगर मैं ये ट्रेडिंग टाइम फ्रेम 5 मिनट का है तो 30 मिनट्स का हम हायर टाइम फ्रेम लेंगे। अगर आपका 1 घंटे का टाइम फ्रेम है तो आइदर 4 आवर्स का लोगे या 1 डे का लोगे हायर टाइम फ्रेम। सो अभी क्या करना है, ये था हमारा 15 मिनट वाला ट्रेडिंग। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो इस जगह पे अगर स्प्लिट आउट करेंगे तो सिलेक्ट लेआउट, यानी एक ही स्क्रीन पे आप चाहो तो दो चार्ट देख सकते हो, चाहे तो आप चार्ट देख सकते हो, दिस फैसिलिटी इज देयर। तो हम क्या करेंगे, दो लेंगे, एक में 15 मिनट का जो हमारा ट्रेडिंग है, दूसरे में हायर टाइम फ्रेम लेंगे 1 आवर। अभी हायर टाइम फ्रेम में अगर आपका सेलिंग वाला है तो लोअर टाइम फ्रेम में हम बाइंग वाला इग्नोर करेंगे। आई रिपीट, अगर आपको दिख गया हायर टाइम फ्रेम में 66 इज फॉलिंग, 34 इज बिलो 66, यानी हायर टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इट इज फॉलिंग, तो लोअर टाइम फ्रेम में हम क्या करेंगे, बाइंग वाला ट्रेड मिलेगा भी तो हम नहीं लेंगे, सेलिंग वाला कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ लेंगे। देखते हैं ये वाला एरिया पे, दिस एरिया पे आपका क्या हो गया, आपका हायर टाइम फ्रेम में सेलिंग है, बराबर। हम यहां पे एक काम करेंगे, टाइम को भी टिक कर देंगे तो क्या होगा, जहां पे कर्सर रखेंगे दूसरा वाला चार्ट अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेगा। कहने का मतलब टाइम को हम टिक किया और हम यहां पे क्लिक करेंगे तो लोअर टाइम फ्रेम वाला चार्ट भी एक ही साथ आ जाएगा, हम यहां पे क्लिक करेंगे तो लोअर टाइम फ्रेम वाला भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएगा। हम उसके बाद पुराना वाला चार्ट में मान लीजिए यहां पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली ये आ चुका है, दैट मींस सिंक हो चुका है एक दूसरे से। सो यहां पे हम क्या करेंगे, उसके लिए आपको ये टाइम को टिक करना है, अनटिक करोगे तो आपको दो अलग अलग से दोनों को सेट करना पड़ेगा, और टिक करोगे तो आपको सेट करने का जरूरत नहीं है। तो इस एरिया पे आपने हायर टाइम फ्रेम पे देख लिया है कि 34 इज बिलो 66 एंड 66 इज फॉलिंग, हायर टाइम फ्रेम में सेलिंग का इंडिकेशन है, तो हम क्या करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम में हम सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अभी क्या करेंगे, देखो ये वाला, यहां पे हमारा कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा बिकॉज हायर टाइम फ्रेम में 66 इज कौन सा, हम थे यहां पे थे राइट वाला 1 आवर। प्राइस देखो, ब्लैक का प्राइसिंग ऊपर में यहां पे देखोगे, मूविंग एवरेज 34 एंड मूविंग एवरेज 66। कैसे पता चलेगा कि मूविंग एवरेज आपका 66, 34 इज बिलो 66, ब्लैक का वैल्यू क्या है 41,450 एंड रेड का वैल्यू है 41,458, दैट बीइंग द केस 66, 34 इज बिलो 66। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, क्या मूविंग एवरेज फॉलिंग है, 66 फॉलिंग है, तो दो तीन प्राइस हम देखेंगे। पहला वाला कैंडल का 66 मूविंग एवरेज 62 मीन्स 41,462 है, करंट कैंडल पे ये 41,458 है, दैट मीन्स ये जो करंट 66 मूविंग एवरेज इज लोअर देन द प्रीवियस कैंडल का मूविंग एवरेज, सो 66 इज फॉलिंग। फिर नेक्स्ट वाला देखेंगे तो देखो
41,451, उसके बाद वाला देखो 41,444, उसके बाद वाला देखो 41,432 एंड सो ऑन। सो कैसे मिल रहा है कि आपको क्लियर कट दे रहा है कि 66 इज फॉलिंग। तो इस एरिया पे जब 66 इज फॉलिंग हम बाई को इग्नोर करेंगे। ऐसा नहीं कि बाइंग में पैसा नहीं मिलेगा, कभी कभी मिल भी सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी हमारा क्या होगा, सेलिंग साइड से प्रोबेबिलिटी हमारा ज्यादा होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है बिकॉज मैं थोड़ा सा मीन्स जो न्यूबीज है उनको भी मैं यहाँ पे एकोमोडेट करने का प्रयास कर रहा हूँ, दैट इज वाई द वीडियो 30 मिनट का हो गया है। आप लोग क्या करोगे, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देखो, स्पीड 1.5 करके देख सकते हो तो जल्दी हो जाएगा। सो नाउ आइडेंटिफिकेशन क्या हुआ है टाइम फ्रेम पे, 66 इज फॉलिंग, 34 इज बिलो 66। सो हमें इस पॉइंट पे, कौन सा पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो वर्टिकल यहाँ पे हमें मिल गया, क्या मिल गया, क्या मिल गया, ये जो वर्टिकल ब्लू लाइन मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे, 34 इज बिलो 66 एंड 66 इज फॉलिंग, दैट मीन्स हायर टाइम फ्रेम में प्राइस थोड़ा सेलिंग प्रेशर्स में, दैट बीइंग द केस कॉरेस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे जाके हम सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी करेंगे। 76 75 के ऊपर गया नीचे आया टकास, 75 के ऊपर गया नीचे आया टकास, मीन्स टकास बोले तो सेल। फिर कभी कभी क्या होगा, 75 के ऊपर भी नहीं जाएगा, बिलो 35 से अबव 35 गया नीचे आया टकास, हालांकि डे क्लोज हो गया आपको प्रॉफिट नहीं दिया। फिर देखो यहाँ पे ये वाला 35 के नीचे से फिर अबव 35 एंड बिलो 35, यहाँ पे ज़्यादा टारगेट नहीं दिया इसलिए मैं क्या बोला था, यहाँ पे थोड़ा सा चटमंगनी पट गया, पटापट ट्रेड लोगे, पटापट निकलोगे, तभी जाके ये कर सकते हो। ये हो गया, अभी आते हैं नेक्स्ट एक और एक हायर टाइम फ्रेम। अभी यहां पे देखोगे आप कि ये वाला एरिया पे एक एक एरिया हम ब्लॉक कर ले, आइडेंटिफाई कर ले। ये एरिया यहां पे क्या है, हायर टाइम फ्रेम, आई एम टॉकिंग अबाउट टू टाइम फ्रेम्स। हायर टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है आपका, 66, 34 इज बिलो 66 एंड 66 इज फॉलिंग, दैट मीन द केस उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जब हम यहाँ पे जाएंगे 15 मिनट में लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हम सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, बाइंग का नहीं। तो इस जगह पे देखो जब 15 मिनट में हमें सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिला, क्या उस टाइम पे हायर टाइम फ्रेम आपको सेलिंग का इंडिकेशन था, क्या 34 बिलो 66 था, क्या 66 फॉलिंग था, हाँ था। सो इट बिकम्स ए मोर प्रोबेबल सेलिंग अपॉर्चुनिटी। फिर यहां पे देखते हैं, यहां पे लेकिन ये आपका क्या हो रहा है, यहां पे कभी बाइंग का कंडीशन लोअर टाइम फ्रेम में कभी सेलिंग का दे रहा है, हमें सिर्फ सेलिंग का ढूंढना है। सेलिंग का भी टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे देखो, सेलिंग आया है लेकिन क्या हमारा कंडीशन फुलफिल था ये एरिया पे, इस एरिया पे हमारा कंडीशन फुलफिल नहीं था, क्यों, 34 इज अबोव 66, हमें सेलिंग का ढूंढना था। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला आपको यहाँ पे ढूंढना है, आइडेंटिफाई करना है कहाँ पे 34 इज बिलो 66 एंड 66 इज फॉलिंग, उसके बाद उस टाइम फ्रेम के लोअर टाइम फ्रेम में जाके आपको सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। एंड आइदर आपका कंडीशन वन या कंडीशन टू मिलेगा, यहाँ पे कंडीशन टू मिला और यहाँ पे यहाँ पे कंडीशन वन मिला ये वाले पे, और फर्स्ट वन एंड थर्ड वन पे आपको कंडीशन टू मिला। अभी हम क्या करेंगे, एक डॉलर रुपये का देख लेते हैं, ये है आपका डॉलर रुपये का वही सेटिंग्स 34 66। हम यहां पे क्या करेंगे, 5 मिनट का लेते हैं एंड स्प्लिट करते हैं, 5 मिनट का लेंगे तो हायर टाइम फ्रेम 4 से 6 गुना 20 मिनट होगा, 20 मिनट का यहां पे रेडीली नहीं है तो 30 मिनट का लेंगे तो 1:1:6। तो यहां पे हायर टाइम फ्रेम पे आप देखो क्या हो गया, एज पर दिस सिस्टम, ऐसा नहीं है कि बाइंग नहीं करना है, अदर सिस्टम में गिव यू बाइंग अपॉर्चुनिटीज, बाइंग सिग्नल्स, जैसे हो गया 3 बार डाइवर्जेंस, 5 बार डाइवर्जेंस, 4 बार डाइवर्जेंस, वहां पे आपको कॉन्ट्रा ट्रेड मिल सकता है।
लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्ट्रेटेजी. ये स्ट्रेटेजी पे करंट लेवल पे आप क्या देख रहे हो, 34 इज बिलो 66 एंड 66 इज फॉलिंग. दैट बीइंग द केस, यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे हम क्या करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम पे हम क्या करेंगे, सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे. आप ढूंढो जहां जहां आपको मिलेगा ढूंढो, नहीं मिला, यहां पे आके मिला आपको, ये लेवल पे मिला. क्योंकि यहां पे देखो, यहां पर भी आपका बाइंग का कंडीशंस आ रहा था, यहां पे आके आपको सेलिंग का कंडीशंस. अभी देखो इस लेवल पे पहले हायर टाइम फ्रेम में आपने क्या देखा कि ये सेलिंग अपॉर्चुनिटीज, आई नीड टू लुक फॉर ओनली सेलिंग अपॉर्चुनिटीज, नॉट फॉर द बाइंग अपॉर्चुनिटीज. आई रिपीट, एज पर दिस सिस्टम. That being the case, यहाँ पे आप क्या करोगे, सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढोगे और आपको इस लेवल पे सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिल गया. मिला या नहीं, एंड सेल यहाँ पे, एंड सेल. फिर सेकेंड कंडीशंस वाला, सेकेंड कंडीशंस कौन सा, वो जो सेकेंड सेलिंग कंडीशंस यहाँ पे आपको मिला, इधर आपको मिला, मीन्स डिफरेंट प्लेसेस में आप देख सकते हैं. फिर आपका यहां पे सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिला कंडीशन वन. चलो आप चलते रहो, देखो सेलिंग लास्ट वाला दिखाता हूं आपको, मजा आएगा. देखो सेलिंग एंड स्टॉप पॉइंट, मजा आया ना, सेलिंग सेल किया एंड मार्केट घूम गया. एक्चुअली यहां पे आपको सेलिंग आया नहीं है, फिर भी आप, मैं क्यों दिखा रहा हूं, ये आपका 74 तो कैंडल, ये कैंडल पे आपको थोड़ा बहुत दिया है, फिर बाउंस बैक करके ऊपर गया है, क्योंकि मेरा भी यहाँ पे स्टॉप आउट हुआ था कल. मैं सेकेंड टाइम 8180 पे बेचा था आपका, उसके बाद ये नीचे 74-75 तक गया था, यानी 4-5 पैसा मिल रहा था. मैं थोड़ा और फिट करने का प्रयास कर रहा था, इसके लिए अल्टीमेटली मेरा जो स्टॉप लॉस था 85 लेवल्स पे, 85 या 87 स्विंग के ऊपर, 85 के ऊपर 86 था, स्टॉप आउट हो गया था. सो ये हो गया आपका एक. अभी आते हैं और एक, हमें क्या करना है, ये एक जोन है. क्या जोन है, ये एक जोन है जहां पे हमें क्या देखना है, सेलिंग का देखना है, नहीं देखना है, हमें सिर्फ बाइंग का ढूंढना है, सिर्फ बाइंग का ढूंढना है. तो दैट बीइंग द केस, यहाँ पे हम कर्सर लेते हैं, कौन सा एरिया, 80-40. ओके, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ बाइंग का कंडीशंस ढूंढेंगे. तो कहाँ पे ढूंढेंगे, पहले ये बाइंग वाला तो हायर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम में भी ये बाइंग जोन पे आया है. अभी देखो 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 कहाँ पे, देखो ये मिला ना, ये मिला ना. फिर यहाँ पे आपका टर्म्स कंडीशंस होगा नहीं, हालांकि ऊपर गया है लेकिन आपका सेलिंग वाला लोअर टाइम फ्रेम में सेलिंग वाला कंडीशंस था, तो आपको बनेगा नहीं. फिर यहाँ पे आपका बाइंग का बन रहा है, फिर सेकंड कंडीशंस वाला बाइंग भी आपको मिल रहा है, फिर मीन्स आपको सिर्फ बाइंग का कंडीशंस देखना है. पहले हायर टाइम फ्रेम में बाइंग का कंडीशंस या सेलिंग का कंडीशंस, एंड उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम में भी सेम कंडीशंस होना चाहिए, यानी 34 इज अबव 66 एंड 66 राइजिंग होना चाहिए, देन एंड ओनली देन वी कैन गो फॉर बाइंग सेटअप. सो आशा करता हूँ ये जो प्रेजेंटेशन है आपको अच्छा लगा होगा. यहाँ पे हमने क्या किया, वंस एक रिव्यू कर लेंगे, स्टोकेस्टिक्स एंड ड्यूअल मूविंग एवरेज, यानी दो मूविंग एवरेज ले रहे हैं. कौन सा ले रहे हैं, एक तो है आपका 66, दूसरा वाला 34. एंड स्टोकेस्टिक्स का क्या ले रहे हैं हम, स्टोकेस्टिक्स है 14-2. परसेंटेज डी को हम अनटिक कर रहे हैं, इसीलिए परसेंटेज के ऊपर ही हम काम कर रहे हैं. और लेवल्स कौन सा ले रहे हैं, 35, 75 एंड 35. एक क्वेश्चन आप बोलोगे, 34 का क्या यूसेज है, 34 का यूसेज है कि ये राइजिंग है या नहीं, सेलिंग के लिए ये फॉलिंग है या नहीं, ये आपको एकदम क्लियर कट प्रेजेंटेशंस दिखाएगा. ठीक है, सो ये हो गया आपका
स्ट्रेटेजी एंड टॉप अप भी एज प्रोमिस्ड. क्या बोला था, दोज हु विल वॉच द वीडियो टिल द एंड स्पेशल टच पॉइंट विल बी डिस्कस्ड. क्या स्पेशल टच पॉइंट है, हायर टाइम फ्रेम में कैसे हेल्प लेके लोअर टाइम फ्रेम में बाई करना है या लोअर टाइम फ्रेम में सेल करना है. हायर टाइम फ्रेम अगर बाइंग के लिए बोलता है विल गो ओनली फॉर द बाइंग. लोअर टाइम फ्रेम अगर सेलिंग के लिए बोलता है, सॉरी हायर टाइम फ्रेम अगर सेलिंग के लिए बोलता है विल ओनली गो फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज एज पर दिस सिस्टम एज पर दिस स्ट्रेटेजी. अदर स्ट्रेटेजी के हिसाब से उल्टा ट्रेड आ सकता है, बट दैट इज एज पर दैट स्ट्रेटेजी, नॉट दिस स्ट्रेटेजी. सो आशा करता हूँ ये होली स्पेशल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपको अच्छा लगा होगा. इसको प्रैक्टिस कीजिए एंड देखिए आपका रिजल्ट, आपका ट्रेडिंग जो जो मीन्स टच पॉइंट्स है आपका कितना इम्प्रोवाइज हो जाएगा. थैंक यू एंड बाय बाय.